अरे देखिए, आज हम लोग को केमिस्ट्री के बेसिक में पढ़ना है पदार्थ क्या है। आज हम लोग केमिस्ट्री के बेसिक में पढ़ना है पदार्थ क्या है। चलिए हम पदार्थ के बारे में बता देते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? सुबह से शाम तक जितने वस्तु का उपयोग करते हैं उसे पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे में किताब, बेंच, कुर्सी, कुर्सी इत्यादि। आप थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा कि सुबह से लेकर शाम तक जितने भी वस्तु को हम लोग उपयोग करते हैं वे सभी पदार्थ कहलाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जितने भी वस्तु को हम लोग उपयोग करते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं? पदार्थ। या उपयोग करते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया है किताब है, बेंच है, कुर्सी है, ये सभी पदार्थ है, ठीक है ना। पदार्थ पदार्थ के वर्गीकरण, पदार्थ के वर्गीकरण, पदार्थ को तीन वर्गों में बांटा गया, एक ठोस, दो द्रव, तीन गैस। पदार्थ के वर्गीकरण, तो पदार्थ के वर्गीकरण में मतलब पदार्थ को कितना वर्गों में बांटा गया है? तीन वर्गों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। चलिए हम बता देते हैं ठोस क्या है। ठोस क्या है? वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसका आकृति और आयतन निश्चित होते हैं उसे ठोस कहते हैं। यानी कहने का मतलब ठोस पदार्थ या ठोस किसे कहते हैं? जिस वस्तु का या जिस वस्तु के आकार और आकृति दोनों का होता है निश्चित होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जैसे में हो जाएगा ईट, टेबल, ग्लास इत्यादि। यानी कहने का मतलब ये जो पदार्थ है, ईट है, टेबल है, ग्लास है, ईट है, टेबल है, ग्लास है, इसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। इसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। चलिए आप लिखा दिया तो आगे हम आप लोग को बताते हैं। अब हम लोग देखना है
द्रव क्या है? वैसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होते हैं, उसे द्रव कहते हैं। जैसे में तेल, पानी, दूध इत्यादि। आपको समझना है वैसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होते हैं, उसे हम लोग द्रव कहते हैं। द्रव में आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होते हैं, जैसे में तेल, पानी, दूध। ये सब जितना भी है इनका आयतन तो निश्चित है परंतु इसका आकार निश्चित का है नहीं है, इसका आकार निश्चित नहीं है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखना है गैस किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिसके आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, उसे गैस कहते हैं। जैसे में हवा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन इत्यादि। यानी वैसा पदार्थ जिसके आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं उसे गैस कहते हैं। यानी इस जो गैस होता है या गैस पदार्थ जो होते हैं उसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, यानी इसमें कोई ना आकार होता है ना कोई क्या होता है आयतन होता है। अब इसके बारे में कल इसके संबंध में बताएंगे, इसके आणविक तत्व के बारे इसके अणु के बारे में बताएंगे कि इसका अणु कैसे होते हैं, किसमें आकर्षण बल ज़्यादा होता है, किसमें आकर्षण बल कम होता है, किसमें उससे भी कम होता है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए।